नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पांच सबसे बड़े बेईमान अंपायर के बारे में, जिसमें पांच नंबर पे आते हैं रिचर्ड कैटलबॉग, जो हमेशा विवाद में रहे हैं अंपायरिंग के दौरान। 2023 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच टी20 मैच के दौरान एक वाइड बॉल को इन्होंने वाइड नहीं दिया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं क्रिस गफनी। खराब अंपायरिंग में इनका भी चर्चा है। एक टेस्ट मैच के दौरान चेतेश्वर पुजारा को गलत आउट दे दिया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। तीन नंबर पे आते हैं मैरस इरास्म। खराब अंपायरिंग में कई बार विवाद में रहे हैं। साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबले में स्टुअर्ट ब्रॉड को नॉट आउट दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने काफ़ी विरोध भी किया था। दो नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के आलिम डार। खराब डिसीजन के कारण काफ़ी विवाद में रहे हैं। साल 2012 में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच में गलत निर्णय देते हुए पीटरसन को नॉट आउट दे दिया था, जिसके बाद प्रवीण कुमार ने गाली तक दे दिया था। और नंबर एक पे आते हैं वेस्टइंडीज के एस्टी बकनर। हमेशा क्रिकेट के निर्णय देते समय पकड़े गए हैं। साल 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में 8 गलत निर्णय दिए थे और सौरव गांगुली को गलत आउट दे दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने काफ़ी विवाद किया था और विरोध किया था इसका। ये दुनिया का सबसे बेईमान अंपायर में जाने जाते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो और ये जानकारी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।